से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू एनिमे जिसका नाम है बॉकेट लिस्ट ऑफ डेड, की सूरत में हमें दिखाया जाता है लड़का भागते हुए कहाँ पर जा रहा होता है, उसका शहर चारों तरफ तबाह हो रहा होता है और जो इंसान थे वो सभी जॉम्बी बनने लगते हैं। वो वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे खून और वो चारों तरफ चिल्लाते हुए जाता है कि क्या और कोई है यहाँ पर, सारे लोग चीख रहे होते हैं मदद के लिए। इस बंदे को भी जॉम्बी पकड़ लेते हैं, इससे जॉम्बी बनाने लगते हैं। जॉम्बी सब इंसानों को मारते हुए इवॉल्व हो रहे होते हैं और एक बंदे के पीछे बहुत सारे जॉम्बी भाग रहे होते हैं। बंदा बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं और भी जिंदा रहना चाहता हूँ और मुझे जीना है इस दुनिया में। सबको एक लड़का देख रहा होता है, ये तो फिल्म चल रहा होता है। वो लड़का रामियन खाते हुए वो देख रहा होता है। बंदा बोलता है कि तुम इससे हेल बोल रहे हो तो हमारे ऑफिस हेल से भी काफी बदतर है। मुझे लगता है जॉम्बी की शहर हेवन है। और वो टाइम को देखता है, टाइम हो चुका है, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। वो धीमी आवाज में बोलता है कि मुझे कल भी ऑफिस जाना होगा। ये बोलते हुए वो बंदा सो जाता है और वे सोते हुए बोलता है कि मुझे ये सब काम नहीं करना है। इन शिफ्ट होता है 3 साल पहले। हीरो अभी अभी एक ऑफिस में जॉब कर रहा होता है। एक बंदा आकर बोलता है कि तुम्हारा आज क्या काम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालना है। हमारा हीरो बोलता है कि हाँ ओके मैं संभालूंगा। हमारा हीरो खुश होकर बोलता है कि मेरा नाम आकिरा टेंडो और आप सब से मिलकर मुझे खुशी हुई और मैं हमारा हीरो को आकिरा बुलाऊंगी। नाम सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। उनका ऐसा इम्प्रेशन देखकर आकिरा खुश हो जाता है। प्रोडक्शन कंपनी में जॉब करना मेरा ड्रीम था, मैं मेरा सपने को जरूर पूरा करूंगा और मैं मेरा बेस्ट दूंगा। उनका ऑफिसर बेंच और टेबल उसे दे देते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम यहाँ पर बैठकर काम करोगे। मैं यहाँ पर कुछ समझ नहीं आए तो तुम कोसुगी को पूछ सकते हो, वो इस डिपार्टमेंट का चीफ है। और उनका ऑफिसर बोलते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कीरा बोलता है कि मुझे भी आपके साथ काम कर अच्छा लगेगा। और वहाँ पर एक लड़की कुछ बोलते हुए जा रही होती है, हमारा अकीरा उसके साथ टकरा जाता है। अकीरा उसे माफी मांगने लगता है। लड़की बोलती है कि शायद मेरा ही नजर नहीं था आपके ऊपर। अकीरा उसे कुछ बोलने ही लगता है, वो शर्माने लगता है क्योंकि उसे उस लड़की से वन साइड लव हो गया था। लड़की गुस्से में जब अकीरा की तरफ देख रही होती है, अकीरा सारे नीचे पड़े हुए पेपर्स को उठाकर उस लड़की को दे देता है। लड़की बोलती कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है सावरी ओतोरी और मैं यहाँ पर अकाउंटिंग का जॉब करती हूँ। तो बोलती कि टेंडो मुझे आपके साथ काम कर अच्छा लगेगा। टेंडो भी बोलता है कि हाँ मुझे भी आपके साथ काम कर अच्छा लगेगा। सावरी बोलती है कि आपको किस बारे में जानना है तो आप मुझे आकर पूछ सकते हैं, मैं आपके लेफ्ट में बैठती हूँ। अकीरा बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। लड़की बोलती है कि गुड लक, आज तुम्हारा यहाँ पर पहला दिन है। किरा बोलता है कि ये लड़की तो बहुत क्यूट है। और सीन शिफ्ट होता है, एक बार को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग पी रहे होते हैं। आज का सारा काम खत्म कर सभी लोग आकिरा से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर पढ़े थे। आकिरा बोलता है कि मैं के यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। सभी लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा स्कूल है। अकीरा बोलता है कि नहीं ये इतना भी अच्छा नहीं है। और बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है। अकीरा बोलते हैं कि नहीं मेरे पास कहाँ पर गर्लफ्रेंड आएगा। तो सारे बंदे बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे जैसे हैंडसम बंदे के पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या तुम यहाँ पर बोलने के लिए शर्मा रही हो। वो सब बियर पीते हुए बोलते हैं कि सभी बंदे बोलते हैं कि तुम हमें एथलेट्स रखते हो, क्या तुम कोई गेम खेलते थे। आकिरा बोलता है कि हाँ मैं अपने कॉलेज लाइफ में रबी खेला करता था। सब लोग बोलते हैं कि हम खुश है तुम हमारे साथ काम कर रहे हो। यहाँ पर आकिरा सोचता है कि सावरी कितना क्यूट है। सावरी को दिखाया जाता है जो कि बैठकर खा रही होती है।
जो अकीरा होता है वो सबको थैंक्स बोलने लगता है उसके साथ काम करने के लिए। तो अच्छा है, हम कल मिलते हैं। और यहाँ से ही जॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड शुरू होता है। और सब लोग बोलते हैं कि हमें ऑफिस में जाना है फिर से काम करने के लिए। पर जितने भी लोग पी रहे होते हैं वो जाते हैं और वहाँ पर जाकर रात भर काम करते हैं। अकीरा सोचता है कि मैं जैसा लाइफ सोचा था वो तो ऐसा लाइफ नहीं है। का एक साथी बोलता है कि ये सारे चीज तुम कितने समय में कंप्लीट कर लोगे। अकीरा बोलता है कि मैं 10 मिनट पे खत्म कर दूंगा। अकीरा को कुछ समझ नहीं आता है। वो बोलता है कि मेरा आज यहाँ पर पहले दिन है और मैं पहले दिन ही रात भर काम करने वाला हूँ। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं यहाँ पर टिक नहीं सकता हूँ। और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाता है और शाम के समय होता है। बोलता है कि ऐसे चलता रहा तो मैं क्या खाऊंगा, मुझे डिनर खरीदने के लिए बाहर जाना होगा। ये सारी चीज मैं एक समय में कैसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता ये सब मुझे घर जाने देंगे। 2 दिन के बाद उसका काम खत्म होता है और घर पर आकर मुर्दे की तरह सो जाता है। वो सोकर सुबह भी हो जाता है। उसका मुंह को देखकर लगता है कि उसे और थोड़ा टाइम चाहिए सोने के लिए, लेकिन उसे काम पर भी जाना है इसलिए सोचता है कि मैं घर पर नहीं रुक सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता है मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वापस कब आऊँगा। तो नहाते हुए खुद को मोटिवेशन देने लगता है, मैं घर पर नहीं बैठ सकता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर काम करना पड़ेगा, मैं यही कैरियर चूज किया था मेरे लिए। तुम मत समझो, मेरे पास बहुत ताकत है, मेरा नाम अकीरो टेंडो है। और वो यही मोटिवेशन से ऑफिस जाता है और सबसे बोलता है कि गुड मॉर्निंग। वो उसे नॉर्मल लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ पर बहुत साल से काम कर रहा है। वो यही मोटिवेशन से यहाँ पर आया था, वो काम नहीं करेगा तो यहाँ पर टिकेगा कैसे। जैसे भी हो मैं यही कैरियर चूज किया था मेरे लिए। वहाँ पर एक लड़का होता है, बोलता है कि मैं ऐसा लड़का कभी नहीं देखा हूँ, इतना मोटिवेटेड। और 2 लोग बात कर रहे होते हैं, तुम जो एक्स्ट्रा काम किए हो क्या तुम्हें उसका पैसा मिला है। दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, मैं तो 150 घंटा काम किया है। और दूसरा बंदा बोलता है कि मैं तो 200 घंटा काम किया है। अकीरा सोचता है कि उसके चारों तरफ जितने भी लोग हैं उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसका एक दोस्त आकर बोलता है कि ये सच नहीं लग रहा होगा, मैं यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट का चीफ अकीरा और एक लड़की को समझा रहा होता है। वो समझाते हुए बहुत गुस्सा करने लगता है। अकीरा सोचता है कि ये गुस्सा कर रहे हैं, ये कंपनी के अच्छे के लिए हम सबको डांट रहे हैं। बस होता है, बोलता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से जल्दी से, तुम जैसे लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अकीरा सोचता है कि शायद ये अपने काम को सीरियसली करते हैं इसलिए ये सबको डांटते हैं। और जो दूसरा लड़की होती है वो वहाँ से भाग जाती है। करते हुए 2 साल बीत जाता है। अकीरा सोचता है कि मैं यहाँ पर काम खत्म कर आज रात का ट्रेन जो है उसे पकड़ूंगा। डिपार्टमेंट चीफ होता है वो वहाँ पर आकर बोलता है कि वो ताकाची है, वो यहाँ से जॉब छोड़कर चला गया है, उसका सारा काम तुम्हें करना होगा। ये देखकर टेंडो को बहुत अजीब लगता है। वो बोलता है कि आज भी मैं मेरी घर पे नहीं जा सकता हूँ, कि मुझे लगता है यहाँ पर एक मिसाइल गिर जाए और सारा सब कुछ खत्म हो जाए। सावरी आकर बोलती कि क्या तुमने कुछ खाया है। कीरा मना कर देता है। सावरी जो खाना लाई होती है वो टेंडो को दे देती है। कीरा बोलता है कि थैंक यू। वहाँ पर जो बॉस रहता है वो सावरी को ऑफिस में बुलाता है प्रमोशन देने के लिए, लेकिन प्रमोशन ऐसे नहीं मिलता है। उसके साथ यू करता है, फिर प्रमोशन देने के लिए बोलता है। कीरा वहाँ से चला जाता है। वे सोचता है कि सोने के लिए भी थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, मैं वहाँ पर काम छोड़ दूंगा। वहाँ से काम छोड़ूं तो मेरे जगह में और एक बंदा वहाँ पर काम करेगा। मुझे लगता है ये कंपनी इंसानों को जम्बी की तरह काम करवाते हैं। वो बोलता है कि मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा तो दुनिया में और भी बुरा चीज है, कर भी क्या सकता हूँ। ऐसे ही करते हुए अकीरा का 3 साल खत्म हो जाता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। जाकर एक पेपर बॉस को दिखाता है। बॉस बोलते हैं कि क्या तुम इस पेपर को और एक बार लिख सकते हो। अकीरा बोलता है कि जरूरत नहीं है, हम इसे बहुत चेक किया है।
बॉस आकिरा को धमकी देते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा जॉब तुम्हें प्यारा है तो तुम्हें ये करना ही होगा। तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह में और भी लोग हैं यहाँ पर काम करने के लिए। आकिरा बोलता है कि मैं तैयार हूँ फिर से ये सब चीज करने के लिए। तो बैठकर काम कर रहा होता है, इतना परेशानी में बैठकर बोलता है कि इतना कम बजट में यहाँ पर इतने सब काम कैसे करवा सकते हैं ये लोग, मैं ये सब चीजें मैनेज नहीं कर सकता हूँ। और जो डिपार्टमेंट का चीफ होता है वो किसी को गाली दे रहा होता है, मुझे हैरास करने की कोशिश कर रहे हो। इस सुपीरियर को सुनकर आकिरा बोलते हैं कि मैं यहाँ पर कर भी क्या सकता हूँ। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, मुझे फिर से वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है और ये सब चीजें बहुत अजीब होते हुए जा रही होती है। मैं ऐसी बेकार कंपनी में काम कैसे कर सकता हूँ, अब बहुत बेकार है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ, मैं यहाँ पर ही मर जाऊँ, मुझे पता भी नहीं चले मैं कब मर गया। लेकिन मुझे काम पर नहीं जाना है जहाँ पर मुझे इतना परेशान किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर कर भी क्या सकता हूँ, मुझे काम पर जाना ही होगा। ये सब चीज वो मन में सोच रहा होता है। काम पर कार की पार्किंग लगाता है और उसके पैसे देने के लिए मालकिन के पास जाता है। मालकिन के ऊपर एक जॉम्बी बैठकर मालकिन को खा रहा होता है, जिसे देखकर वो घबरा भी नहीं रहा होता है कि उसकी दिमाग में और कुछ चल रहा था। कहे कि क्या ये सच में एक जॉम्बी है? अगर ऐसा ही बात है तो मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर जियो देख रहा हूँ, क्या ये सच है? मतलब मैं फ्री हो गया यहाँ पर, मतलब मुझे इस जिंदगी को घूट घूट कर नहीं जीना है, मुझे मेरी ऑफिस को फिर से नहीं जाना होगा। ये सोचते हुए वो बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा ही एक दुनिया चाहिए था। मैं 3 साल तक घूट घूट कर जी रहा था, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहा था। मैं जैसा चाहता था मेरा जिंदगी अब ऐसा हो चुका है, कलरफुल जिंदगी। मैं आसमान को अभी अच्छे से देख सकता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होता था इस दुनिया को देखने के लिए, पर मेरे पास अब टाइम ही टाइम है। जिंदगी ऑफिस की वजह से बहुत खराब चल रही थी, लेकिन मैं अभी जिस जिंदगी जी रहा हूँ मैं अभी खुश हूँ। मुझे अभी ऑफिस जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं अभी इतना ही फ्री हूँ। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, मजे करना चाहिए? मुझे ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना चाहिए। क्या मैं स्काई ड्राइविंग भी तो कर सकता हूँ? तभी हमें जॉम्बी दिखाया जाता है के सामने ही कूद जाता है और बोलता है कि मैं फिल्म भी देख सकता हूँ। मुझे लगता है मिस सावरी अब कैसे होगी, मैं तो उनसे मिला ही नहीं, लेकिन फर्क क्या पड़ता है। तो अपने प्रमोशन के लिए अपने शरीर को बेच देती है, मुझे उनसे मिलने की क्या जरूरत है? जोमी के हाथों से मरने से अच्छा मैं उनके पास जाकर एक बार यू कर आ जाता हूँ। मैं ये 3 साल तक कुछ भी नहीं कर पाया, पर मैं अब आजाद हूँ। कीरा सावरी की घर पर आ जाता है, 1207 फ्लोर पर। यहाँ पर आ चुका हूँ पर मैं अंदर जाकर क्या बोलूँगा उनसे? मेरा को वर्कर है, मैं उनके घर पर जाऊंगा, ये थोड़ा अजीब नहीं है? बेल बजाने जाता है, वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। वो बोलता है कि मिस सावरी आप अंदर हो? जो बॉस होता है वो जोम्बी बन चुका होता है। से आकिरा बोलता है कि 3 साल तक जितना तड़पाए हो मैं इसका बदला आज लूंगा तुमसे। बोलने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हारा ऑफिस अभी से और इस वक्त से छोड़ता हूँ, और उसे धकेल कर उसे नीचे गिरवा देता है। तो सावरी होती है वो भी जॉम्बी बन चुकी होती है। किरा बोलता है कि जब मैंने आपको पहली बार ऑफिस में देखा था तभी से मुझे आपसे प्यार हो गया था, समय अभी चेंज हो चुका है। और गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो एक शॉप में आकर बैठता है। मैं मेरी लाइफ में कभी फ्री नहीं हुआ, इसलिए मैं मेरी लाइफ में कभी भी देश नहीं घूमा। मैं अब से सारी दुनिया को घूमने के लिए निकल जाऊंगा। एक शॉप में जाता है, वहीं से वो एक बुक और पेन लेता है और वो लिखता है कि वो जहाँ जहाँ जाने वाला है वो लिख देता है उस बुक में, उसे जो जो चीज चाहिए वो ले ले। टेंडो को दिखाया जाता है जो कि बैठकर काम कर रहा होता है। यहाँ पर मैनेजर आकर बोलता है कि तुम्हारा काम खत्म हुआ कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर रहना है या नहीं, तुम्हारा जितना डेडलाइन था वो खत्म हो चुका है। तुम ऐसा काम करोगे तो तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओगे, यहाँ से निकाल देंगे तुम्हें।
ये सब सुनकर टेंडो रोने लगता है और उसका बॉस चिल्ला रहा होता है। ये सब टेंडो का सपना होता है। वो उठकर बोलता है कि आई एम सॉरी बॉस। खुद को ऐसे सोते हुए देखकर वो खुद ही हैरान हो जाता है और वो अपनी चारों तरफ देखता है और बोलता है कि तो आज से मुझे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो बाहर आकर उबासी लेने लगता है और वो पहले जैसा जोश में आकर बोलता है कि गुड मॉर्निंग, जितना 3 साल यहाँ पर बर्बाद हुआ है आज से मेरा वैकेशन शुरू होता है। मैं जहाँ पर भी जाऊँगा वहाँ पर मजे करूँगा। और उसके घर में जितने भी कचरे पड़े होते हैं वो उसे बाहर निकाल देता है और घर को अच्छे से साफ करने लगता है। बोलता है कि 3 साल के बाद मैं अपना घर साफ कर रहा हूँ और मेरा घर साफ करने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है, ये पता नहीं मैं लास्ट बार कब मेरा घर साफ किया था। वो बोलता है कि मैं घर तो साफ कर चुका हूँ, इंजॉय करने के लिए कुछ तो करेगा। और वो फ्रिज से बियर निकाल कर पीने लगता है और पीकर बहुत खुश हो जाता है। सुबह ड्रिंक पीते हैं ना, वो बहुत खुश नसीब है, पर मैं नहीं पी पाता था, पर अब मैं पीता हूँ। ये तो मेरे लिए गॉड के तरफ से एक तोहफा है, मुझे नहीं पता ये हेवन ही हेल है। टोक्यो की जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो हेलीकॉप्टर में बैठकर टोक्यो शहर की न्यूज दे रहे होते हैं और देखा जाता है कि वहाँ पर आग लगी होती है और बहुत सारे लोगों को मार रहे होते हैं और उनकी स्टूडियो को दिखाया जाता है, वहाँ पर भी ज़ॉम्बी आने लगते हैं। उनका चैनल का लास्ट वर्ड होता है गवर्नमेंट हमें आकर बचा लो। ज़ॉम्बी आकर उन सबको मार देते हैं, का चैनल का वीडियो खत्म कर देते हैं। वहाँ पर इंडो बोलता है कि ये लगा मुझे अच्छा है पर ये दुनिया के लिए भयानक है और बोलता है कि मैं आज मेरा सारा बियर खत्म कर दूंगा, कल मैं बचूं या ना बचूं, कि मैंने 3 साल से बियर को टच तक नहीं किया था, आज तो मैं दिल खोल कर पीऊंगा। जैसे ही देखता है उसका बियर खत्म हो चुका है, उसके ऊपर तो बिजली आकर गिर जाता है और वो बोलता है कि मेरा बियर गया कहाँ और वो चारों तरफ ढूंढने लगता है। वो बोलता है कि मैं खुशी में इतना सारा बियर पी लिया एक ही टाइम में और मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे बियर पीना है तो मुझे बाहर जाना ही होगा। वो नीचे आता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी को देखता है डर कर छुप जाता है और बोलता है कि मैं बियर ना पी कर क्या जी नहीं सकता हूँ क्या। सही बियर को देखता है, वो बोलता है कि ये तो गॉड की गिफ्ट है, मुझे जाकर लाकर पीना ही होगा। टेंडो का एक टीममेट का घर पे दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का और लड़की बात कर रहे होते हैं कि हम पर क्या करें और मैं पुलिस वाले को कॉल कर चुका हूँ, वो यहाँ पर आते ही होंगे, तुम थोड़ा हौसला रखो, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते हो और एक दिन के लिए। लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या तुम्हें ये पता नहीं है क्या, हम यहाँ पर बचेंगे कैसे। लड़की बोलती है कि मुझे ये लगता है कि यहाँ पर ही दुनिया खत्म होने वाला है। प्रो बाहर आकर बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई है हमें बचाने के लिए। ऐसे ही बगल में टेंडो को देखते है वो शॉक्ड हो जाता है, दोनों में थोड़ा ऑकवर्ड माहौल हो जाता है और वो दोनों चिल्लाने लगते है। वो लड़की बाहर आकर बोलती कि क्या हुआ, क्या ये बंदा एक ज़ॉम्बी है। तो लड़की भी उसे देखकर चौंक कर बोलती कि तुम कौन हो। तो लड़का बोलता है कि तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। एंडो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस पाइप से नीचे जाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे घर तक जो सीढ़ी है वहाँ पर ज़ॉम्बी भरे हुए हैं। लड़का बोलता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम तीनों सेफ है। टेंडो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे वहाँ पर नहीं जाना है, मुझे नीचे जाना है और मुझे बाहर घूमना है। ये सुनकर वो लड़का और लड़की चौंक जाते हैं। टेंडो बोलता है कि मेरा नाम आकिरा टेंडो है, मैं आपका ऊपर वाले फ्लोर में रहता हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम है कोसाका। टेंडो बोलता है कि मैं एक CBSE स्टोर में जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बोल दीजिए, मैं वहाँ पर जाकर आपके लिए ले आऊंगा, जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स या लाइटर, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे सामान। टेंडो नीचे उतर जाता है और वो बंदा बोलता है कि तुम जो काम कर रहे हो अच्छे कर रहे हो। वो बंदा बोलता है कि तुम तो जा रहे हो तो तुम मेरे लिए 2 टॉयलेट पेपर ले आ सकते हो। टेंडो बोलता है कि ठीक है। टेंडो साइकिल में चला आ जाता है, उसके पीछे पूरा झुंड लग जाता है ज़ॉम्बी का। टेंडो बोलता है कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं लगा था यहाँ पर एक दिन में इतना ज़ॉम्बी बन जाएंगे।
और वहाँ से बहुत स्पीड से साइकिल चलाकर भागने लगता है। टेंडो बोलता है कि मैं इन सब जोम्बी को मार दूंगा क्योंकि मुझे आज बियर पीना है तो पीना है, कुछ भी हो जाए। और हमें एक साइकिल दिखाया जाता है जिसके के अंदर गोप्रो लगा होता है, टेंडो को शूट करने लगता है। टेंडो बहुत खुशी खुशी अंदर आने लगता है और बोलता है कि मैं आज बियर पीऊंगा, और वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वहाँ पर बहुत सारा बियर होता है और वो बोलता है कि मैं इसमें से कौन सा वाला बियर पीऊं। वो जब वहाँ से जाने लगता है वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की है जो कि पानी पी रही होती है, और वो उसे देखकर बोलता है कि क्या एक लड़की बच गई है, और उसके पास जाकर बोलता है कि हेलो, क्या तुम यहाँ पर कुछ लेने के लिए आई हो? क्या तुम इन सब जोम्बी को चकमा देकर निकल सकती हो? वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। उस लड़की को जो भी चीजें चाहिए थी वो लेकर वो चला जाता है। टेंडो ये देखकर घबरा जाता है और बोलता है कि ये लड़की कहाँ पर गई? बोलता है कि हमें बुरा लगा, हम दोनों ऐसी हालात में मिल रहे हैं, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करना चाहोगे? लड़की जब फोन निकालती है, टेंडो सोचता है कि शायद वो लड़की मुझे नंबर देने वाली है। वो लड़की वहाँ पर बोलती कि क्या मैं तुम्हें कॉल गर्ल दिख रही हूँ क्या? तुम यहाँ से जितना भी बियर लेकर जा रहे हो, तुम इतना पियोगे तो क्या तुम्हारा लीवर खराब नहीं हो जाएगा? और तुम बाहर देखो कितना जोम्बी है बाहर। और हमें दिखाया जाता है एक ट्रक कहाँ पर बहुत स्पीड से जा रहा होता है। टेंडो बोलता है कि क्या रिक्स? लड़की बोलती है कि मैं उनसे दोस्ती करना नहीं चाहता हूँ जो कि आगे वाले रिस्क को पहचान नहीं सकता है। मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पर बहुत दिन सर्वाइव कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है उस लड़की के पीछे बहुत सारे जोम्बी आने लगते हैं, पर टेंडो बोलता है कि तुम्हारे पीछे देखो बहुत सारे जोम्बी। बोलकर वो उसके सामने आ जाता है, देखकर वो लड़की उसे पीछे खींच लेती है। हमें दिखाया जाता है वो ट्रक वहाँ पर आकर टकरा जाता है और टेंडो के ऊपर वो लड़की गिर जाती है। वो लड़की उठकर जाने लगती है। टेंडो सोचता है कि क्या लड़की है। टेंडो बोलता है कि मिस, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। वो बाहर आकर देखता है तो उसका साइकिल का तो पांपड़ बन चुका है। ज़ोंबी को देखकर बोलते है कि क्या मुझे पहले रिक्स को पहचाना चाहिए। वो उस लड़की के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि वो कितनी प्रीटी थी, उसे फिर से देखना चाहता हूँ। और तभी वहाँ से एक ज़ोंबी आ जाता है बगल से। ये देखकर टेंडो वहाँ से भागने लगता है साइकिल को छोड़कर, और वो बोलता है कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। और वो देखता है वहाँ का जो स्कूटर होता है वो उसे ही पकड़कर वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि मुझे ये अपग्रेड चाहिए था, मुझे ये घमासान के बीच में नहीं लगा था साइकिल के अलावा भी वहाँ पर कुछ था, साइकिल से तो ये बहुत अच्छा है। बोलते हुए वो जैसे ही एक बाइक को देखता है वो और भी खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो उससे भी अच्छा है, और वो बाइक को पकड़ कर भाग जाता है। ये तो सुपर अपग्रेड हो गया, और वो वहाँ से भाग जाता है। वो घर के बगल वाले एरिया में गाड़ी को पार्क कर फिर से पाइप से चढ़ने लगता है ऊपर। बोलता है कि मुझे मेरा बियर मिल गया और एक देखने के लिए एक लड़की भी मिल गई, और मेरे जो ड्रीम था मुझे एक मोटर्स का साइकिल चाहिए था वो भी मेरा पूरा हो गया, आज का दिन मेरे लिए अच्छा है। वो घर के बालकोनी में पहुंच जाता है, बोलता है कि मैं वापस आ गया मिसेस मिस्टर कोसा का बियर भी लाया हूँ, क्या आप मेरे साथ बैठकर पीना चाहेंगे? ये बोलकर वो जैसे ही सामने देखता है वो चौंक जाता है। उनका घर का शीशा टूटा होता है और घर का चारों तरफ खून ही खून होता है। टेंडो को पता चल जाता है कि वहाँ पर ज़ोंबी ने आकर उनको मार दिया है, और वो ऊपर आकर बियर पीने लगता है। वो दोनों के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि वो दोनों आज ही मर गए, और बोलता है कि मैं तो 60 साल के बाद ही मरूंगा। पर वो न्यूज देख रहा होता है, वहाँ पर सब ज़ोंबी चल रहे होते हैं। जैसे ही आसमान के ऊपर देखता है वो सोचता है कि ये बहुत छोटा है, मैं जिस रिक्स को लेना चाहता हूँ वो लेते लेते मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। और वो डायरी और पेन निकाल कर लिखने लगता है का जो भी सपना सच हो चुका है वो उसको काट देता है और उसका नया सपना लिखने लगता है। उसका एक्सटीएसिया सपना होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर टाइम गुजारे। उसका 32वां सपना होता है कि वो जाकर अपनी दोस्तों के साथ खेले। और उसका 33वां सपना होता है कि उसका ड्रीम गर्ल उसे मिल जाए।
ये लिखने के बाद वो खुश हो जाता है और बोलता है कि ये खत्म हो गया। वो बुक का हेडलाइन देता है कि मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले ये सब करना चाहता हूँ। वो सो जाता है और सुबह हो जाता है। हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि सुबह 6 बजे उठकर ट्रेडमिल के ऊपर भागने लगती है। टीवी और रेडियो में ज़ॉम्बी की न्यूज देख रही होती है और वो कुछ मेडिसिन खाती है। वो देखती है कि कहाँ पर अच्छा पानी और कहाँ पर अच्छा खाना और रहना है। वो इसको ये सब ऑनलाइन में ढूंढ रही होती है। और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ड्रेस पहनते हुए सोचता है कि मैंने ये कर लिया, मैं यहाँ से बचते हुए बाहर आ गया। पीछे से आकर एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और यहाँ पर ही उसका वीडियो खत्म हो जाता है। ये वो लड़की देख रही होती है। वो बोलती है कि दुनिया में 2 तरीके का ज़ॉम्बी मूवी है, एक है चलने वाले और एक है भागने वाले। ये देखने के बाद वो घर से निकल जाती है जरूरत की चीजें लाने के लिए। वो जाकर स्टोर से इमरजेंसी गैस, एक सूसी लाइटर, एक केक आने के बारे में सोचती है। वो वहाँ पर ही बैठकर टेंडो की वीडियो देखने लगती है। लड़की बोलती कि ये एक सर्वाइवर है, मुझे नहीं लगता ये लड़का इन्फेक्टेड है, ये पास्ट का वीडियो है। टेंडो स्टोर में जाता है उसकी अंदाज में बियर खरीदने के लिए। लड़की सोचती है कि टेंडो ने उसे कुछ बताने की कोशिश करी है, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ मेरा चीज को पकड़ कर वहाँ से निकल गई। तभी ही मुझे वहाँ पर साउंड आया कि एक कार की हॉर्न बज रहा है। तो प्रोबेबली लगता है कि उस कार के ऊपर एक ज़ॉम्बी ने अटैक किया होगा और वो कार वाला ज़ॉम्बी बन चुका होगा। वो हॉर्न बजाते हुए इस डायरेक्शन में ही आ रहा है। अपनी गोप्रो में देखता है कि हाँ ऐसा ही है, वो आदमी ज़ॉम्बी बन चुका है, इसलिए वहाँ पर कुछ बोला वो लड़का रुक जाए, नहीं तो लड़का मारा जाता। लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लगे थे, मेरे को बचाने के लिए वो लड़का सामने आ गया, इसलिए मैंने उस बंदे को पीछे खींच लिया और मैंने उसे बचा लिया। वहाँ पर वो ट्रक आकर सारे ज़ॉम्बी को मार दिया और मैं वहाँ से निकल गया। का जो वीडियो था वो लैपटॉप में वो चलाने लगता है। तो बोलती है कि ये लड़का ज़ॉम्बी वर्ल्ड में कितना खुश हो रहा था उसके ड्रीम के लिए कि मैं यहाँ पर बैठकर लैपटॉप चला रहा हूँ। लड़की भी टेंडो की तरह एक लिस्ट बनाई है ये ज़ॉम्बी बनने से पहले क्या क्या करना चाहती है। लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ फोटो को देखकर रो रही होती है। यहाँ पर क्या हुआ और कैसे हुआ, और वो पापा को याद कर रोने लगती है। उसके पास कोई आकर उसे जूस देता है, बोलता है कि तुम ठीक हो। पोर्शन बोलता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा, तुम यहाँ पर रेस्ट करो। और हमें पता चलता है कि वो इसी होटल का मैनेजर होता है। मैनेजर का साथी आकर बोलता है कि वो लोग वापस आ गए। मैनेजर उस लड़की को बोलती है कि मेरा छोटा सा मीटिंग है इसलिए मैं उसे अटेंड करने जा रहा हूँ, और आने के बाद हम दोनों मिलकर बात करेंगे। ये सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा रोने लगती है। मैनेजर बोलता है कि सब ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं डेफिनेटली यहाँ पर आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। और वो लड़की बोलती है कि ठीक है। ये लोग दारू के बोतल में रुई डालकर और हथियार पकड़कर बाहर निकल जाते हैं। आने से पहले मैनेजर सब बंदे को बोलता है कि तुम लोग रेडी हो। लोग चिल्लाकर बोलते हैं कि हाँ हम रेडी है। हमें ये पता चलता है कि वो लोग ज़ॉम्बी के बारे में बात कर रहे थे। वो बाहर निकलकर ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करने लगते हैं। ज़ॉम्बी आकर मैनेजर की साथियों को काटकर ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। मैनेजर बोलता है कि जो भी हो जाए हमें इस जगह को प्रोटेक्ट करना ही होगा, हमारे पास जितना भी ताकत है तुम सब लगा दो। ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच में बहुत ज्यादा घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। हमें सारे शहरों को दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बी भरे होते हैं। हमारा टेंडो जैसे उसका बाप का रोड है वैसे ही हीरो की तरह बाइक चलाते हुए जा रहा होता है। ये ज़ॉम्बी वर्ल्ड में एक ही तो इंसान है, वो भी क्या करे। बोलता है कि मैं यहाँ पर 1 साल पहले आया था और मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंजू की सिटी ऐसे हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है मैं यहाँ पर मरूंगा नहीं। हमें कुछ घंटे के पहले का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी दाढ़ी को देख रहा होता है कितना बड़ा है।
पूछता है कि मेरा दाढ़ी का कलर क्यों नहीं दिख रहा है। पास एक बुक होता है, वो उसी से एक आदमी को देखकर मार्कस से अपना दाढ़ी बनाने लगता है। उसका मुंह आदिमानव की जैसे दिख रहा होता है। ये उसका 10वां सपना होता है, वो उसे काट देता है और वो रूम में आकर बोलता है कि हम आज क्या करें, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। हमारा यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप होता है, उनका जापान में मुशा नाम की ऐप होता है। देख कर टेंडो खुश हो जाता है, ये काम कर रहा है। तो खुश होता है और बोलता है कि मुझे मैसेज मिल गया और यहाँ पर इंटरनेट भी काम कर रहा है। मुझे पता नहीं मैंने इस ऐप को कितने साल तक छुआ भी नहीं। वो जो पहले मैसेज किया था वो उसे पढ़ने लगता है पहले का। उसके पास कुछ काम नहीं होता है इसलिए वो खेलता है, उठता है, बैठता है। यहाँ पर इंटरनेट यूज कर सकता हूँ पर इंटरनेट इतना स्लो। मैंने अपना लाइफ यहाँ पर बर्बाद किया, मैंने अपने दोस्तों के साथ ना जाकर इतना बड़ा गलती कर दिया। उसको उसी दोस्त का याद आता है जिसने बोला था तू तेरा जॉब छोड़ दे, जिसका नाम था केंचो। वो साल जिंदा होगा, वो अब तक मरा नहीं होगा। वो साला कहाँ पर बैठकर जुआ खेल रहा होगा। और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है ओयो में एक रूम के कॉर्नर के पास बहुत घबरा कर बैठा होता है। उसके आसपास बहुत सारे ज़ोंबी घूम रहे होते हैं, पर एक ज़ोंबी हमला कर देता है जिसे देखकर वो छुप कर बैठ जाता है और वो बोलता है कि ये अच्छा नहीं होगा, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ। और वो फ्रीज से पानी निकाल कर पी रहा होता है और पी कर पानी खत्म कर देता है और बोलता है कि मैं पानी के बिना यहाँ पर 3 दिन जिंदा रह सकता हूँ। तो बंदा उस ज़ोंबी लड़के को मजे देने वाला बेड में बांधा होता है। मैं उस ओयो रूम का टूर दिखाया जाता है। आप लोग आंखों से देखकर मजे ले लीजिए क्योंकि आप वहाँ पर तो नहीं जा सकते हैं। केंचो बोलता है कि ये कैसी जगह है, यहाँ पर एक पानी का बूंद भी नहीं है। लेकिन और कुछ बूंद का पानी है जो कि मैं पी नहीं सकता। और उसे याद आता है टेंडो के बारे में जो कि उसकी हर बुरे जोक में भी हंस देता है। जब मैं कॉलेज लाइफ में था वो अपनी दोस्तों के साथ अच्छे से जीता था। भी उसे एक कॉल आता है और वो अपनी असली जिंदगी में वापस आ जाता है। वो टेंडो की कॉल देखकर शॉक में पड़ जाता है। वो कॉल उठाता है, बोलता है कि टेंडो। टेंडो बोलता है कि ये तुमने ही कॉल उठाया ना, इसका मतलब तुम जिंदा हो मेरे भाई। टेंडो बोलता है कि भाई हम दोनों बहुत साल से नहीं मिले हैं, चलो हम दोनों मिलकर एक ड्रिंक पीते हैं। केंचो थोड़ा रुक रुक कर बात कर रहा होता है। टेंडो बोलता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। केंचो बोलता है कि कुछ नहीं भाई। टेंडो बोलता है कि तुम हो कहाँ पर, चलो मिलते हैं एक जगह में, तुम एग्जैक्टली कहाँ पर हो। केंचो बोलता है कि मैं सेंजोक्यू में हूँ। टेंडो बोलता है कि क्या तुम सेंजोक्यू में हो, तो मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। केंचो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। बोलता है कि यहाँ पर चारों तरफ ज़ोंबी है, इंसानों को देखकर वो मार देते हैं और यहाँ पर मामला कुछ ठीक नहीं है। टेंडो बोलता है कि मैं तो वहाँ पर आ रहा हूँ ना, तुम मैसेज करो तुम कहाँ पर हो, मैं वहाँ पर आता हूँ, तुम वेट करो मेरा। टेंडो निकल जाता है उस जगह में जाने के लिए। टेंडो बोलता है कि ये दोस्त मेरा रब्बी क्लब का दोस्त है, थोड़ा हैंडसम भी है और कॉमेडियन भी है और ये अपने लाइफ को एंजॉय कर जीता है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और टेंडो पास्ट की बातें याद करने लगता है, कैसे उसके दोस्त उसे समझाया करता था कि उसका जॉब को वो छोड़ दे और कैसे गर्लफ्रेंड का नाम लेकर चिढ़ाया करता था, जिसे देखकर मेरे तो जल जाती थी कि मैंने देखा था वो अपनी जॉब को बहुत इंजॉय करता था। वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर वहाँ पर जाने लगता है। वो बोलता है कि कुछ समय रुको केंचो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। उस मैनेजर का सीन दिखा जाता है, वो इस ज़ोंबी के सामने वो अकेले ही बचा होता है क्योंकि उसके सब साथी मारे जा चुके होते हैं। उसके साथी भी उसके ऊपर हमला करने आ जाते हैं क्योंकि वो भी ज़ोंबी बन चुके होते हैं। मैनेजर बोलता है कि मेरा लाइफ ऐसे ही यहाँ पर खत्म होने वाला है और वो उस छोटी सी बच्ची को माफी मांगने लगता है कि वो उसे प्रॉमिस किया था वो उसके पास जाएगा जरूर। वो मरने ही वाला था, बहुत जोर से एक सायरन बजता है जैसे ज़ोंबी उस आयरन के पीछे जाने लगते हैं। शोर केंचो को भी सुनाई देता है। टेंडो एक कार में रब्बी की बॉल को फिट कर रख दिया होता है इसलिए वो सायरन बज रहा होता है। दो तरफ ज़ोंबी उस कार को घेर लेते हैं। वो एक होटल के फाउंटेन के अंदर से बाहर आता है। कुछ समय के बाद ज़ोंबी उस कार के हिस्से को तोड़ देते हैं। ये देख कर टेंडो जल्दी से भाग कर ओयो के अंदर घुस जाता है। केंचो उस रूम से
बाहर आ जाता है और बोलता है कि सारे ज़ॉम्बी कहाँ पर गए। सही पीछे मुड़ता है, उसे लगता है कि कोई तो मेरे पास आ रहा है और तभी उसके पीछे टेंडो आकर उसे बुलाता है और डर जाता है। जो बोलते है कि क्या तुम दोस्त सच में यहाँ पर आए हो मुझे बचाने के लिए। टेंडो बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात सुन लिया और मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। बोलता है कि मैं तुम्हारा सक्सेस को देखकर तभी जलता था, मैं तुम्हारी दोस्त बनने का लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे दोस्त। टेंचो बोलता है कि क्या तुम दोस्त सच में यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हो, मुझे सच बोलना। टेंडो बोलता है कि नहीं, मैं तो तेरा मुंह देखने के लिए यहाँ पर आया था। टेंडो का इतना शोर सुनकर वहाँ पर सब ज़ॉम्बी आ जाते हैं। टेंचो बोलता है कि दोस्त तूने मुझे यहाँ पर बचाने आया था या मुझे मारने के लिए, और वो दोनों भाग कर छत के ऊपर आ जाते हैं। वो एसी की वेंट निकाल कर दरवाजे को ब्लॉक करने के लिए रखने लगते हैं। टेंडो बोलता है कि इतना काफी होगा उन ज़ॉम्बी को ब्लॉक करने के लिए। केंचो बोलता है कि नहीं, इतना काफी नहीं है। जो सोचता है कि हम यहाँ से जाएंगे कैसे, यहाँ पर तो कोई भी रास्ता नहीं है जाने के लिए नीचे। तो टेंडो को बोलता है कि टेंडो हम यहाँ से जाएंगे कैसे। टेंडो बोलता है कि हम यहाँ से कूद कर जाएंगे मेरे दोस्त, कि दूसरे बिल्डिंग में ऊपर आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। जो बोलता है कि वो बिल्डिंग बहुत दूर है, क्या हम कूद पाएंगे उतना तक। टेंडो कुछ स्टेप पीछे आता है और भाग कर जाकर कूद जाता है। वो जाकर अगले बिल्डिंग में पहुंच जाता है और टेंडो बोलता है कि ऐसा ही तुम यहाँ पर कूद कर आ जाओ। चिंचो नीचे देखकर डर जाता है और पीछे वापस जाने लगता है और टेंडो को बोलता है कि मेरे दोस्त तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हो, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने वाला हूँ। मेरा जॉब को एंजॉय कर नहीं जीता था, मैं मेरा खुशी के पीछे बहुत दुख छुपा कर रखता था। मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ पर बड़े बड़े लोगों के लिए मैं बेड अरेंज करता था लड़कियों के साथ। मैंने जो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था वो सब झूठ था। मैं तुम्हें शोप करने के लिए ऐसा सब बोलता था, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जितना बुरा किया है। टेंडो बोलता है कि मुझे पता था तेरी मजाक के अंदर बहुत दुख था। जो बोलता है कि तुमने सही कहा और मैं चाहता था कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनूं। टेंडो बोलता है कि तुमने ये सही कहा, लेकिन अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो, एक बार मेरे ऊपर भरोसा तो कर देखो। क्योंकि ये पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बी उसको तोड़कर अंदर आ जाते हैं। टेंडो बोलता है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, इसलिए मैं तेरे लिए जो भी करूँगा तेरी अच्छाई के लिए ही करूँगा। तू कूद कर यहाँ पर आजाद, तेरी जिंदगी पड़ी है, तू स्टैंड अप कॉमेडी कर सकता है। टेंचो आंसू पोंछ कर थोड़ा स्टेप पीछे जाकर कूद जाता है और हमें ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। वो अपने पेंट शर्ट फाड़ देता है, ये देखकर टेंडो हंसने लगता है और वो बिल्डिंग के चोर पर आ जाता है और वो टेंडो को चिल्लाने लगता है, तेरा हाथ दे मुझे बचा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसे खोल कर मरने वाला हूँ। गिरने लगता है लेकिन टेंडो आकर उसे पकड़ लेता है और ऊपर खींच लेता है। केंचो अपने अंडे को पकड़ कर रोने लगता है। टेंडो बोलता है कि क्या तुमको ज़ॉम्बी ने काट दिया क्या। टेंचो बोलता है कि नहीं, तुमने मेरी अंडे के ऊपर घिस दिया। में टेंडो को ड्रेस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खुलकर सुखा दिया होता है। दोनों अपने कपड़े निकाल कर वहाँ पर ऐसे ही बैठे होते हैं। तो लोग वहाँ पर बैठकर वैसे ही मजाक करने लगते हैं और ऐसे ही कुछ बात करते हैं और कुछ खाते हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। ऐसे ही वो बहुत मजाक करने लगते हैं वहाँ पर। टेंडो ज़ॉम्बी को मारने वाला एक गेम खेल रहा होता है, खेल कर थक कर लेट जाता है और केंचो खाना बना रहा होता है, खाना रेडी हो जाता है। वो बोलता है कि टेंडो आ जाओ खाना खाते हैं। टेंडो उसकी भूख से एक सपने को काट देता है। ये सपना था कि वो टोकियो की बीच में रहकर खाना खाए और गेम खेले। टेंडो इतना अच्छा खाना देखकर खुश हो जाता है और खाने लगता है और वो भी जल्दी जल्दी से। टेंडो बोलता है कि ये जो फिश करी है तुमने इसको कैसे बनाया है। केंचो बोलता है कि जो बचे हुए सुअर का मीट था उसी से बनाया है। अकीरा ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि केंचो तू तो सब कुछ कर सकता है, मुझे लड़कियां ऐसे ही प्यार नहीं कर लेती है, प्यार करने के लिए टैलेंट चाहिए जो कि मेरे पास है।
टेंडो ये सुनकर चिढ़ जाता है और बोलता है कि देखना बहुत जल्द मेरे पास एक गर्लफ्रेंड होगी। टेंचो बोलता है कि तू कब बनाएगा, जब बूढ़ा हो जाएगा तभी। टेंडो बोलता है कि नहीं, मैं आज ही एक गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। और ये दोनों नीचे जोम्बी को देखने लगते हैं। टेंडो को इतने ध्यान से जोम्बी की तरफ देखते हुए टेंचो बोलता है कि ऑल द बेस्ट मेरी दोस्त, तू तेरे लिए एक जोम्बी गर्लफ्रेंड बना ले। ओ, और कुछ समय के बाद कुछ खाना पीना खाकर कुछ समय के लिए रेस्ट लेते हैं। टेंचो टेंडो की बकेट लिस्ट देख रहा होता है और बोलता है कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो। टेंडो बोलता है कि मैंने तो मेरा जॉब छोड़ दिया है, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं मेरी ड्रीम को ही पूरा कर लेता हूँ, अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। टेंचो बोलता है कि ये तो अच्छा बात है। टेंचो बोलता है कि इसमें तो 30 ड्रीम्स है, मैं और कुछ मिलाकर 100 कर लेता हूँ। सुनकर टेंडो उसे मना करने लगता है। टेंचो लिखता है कि मुझे एक कॉमेडियन बनना है। टेंडो उसके पास ही आ जाता है। टेंचो बोलता है कि तुमने मुझे ओयो में बचाने के लिए नहीं आए होते तो मैं वहीं पर मर जाता ज़ॉम्बी के हाथों से। टेंडो बोलता है कि मुझे एक बड़ा सा टीवी चाहिए। वो एक बहुत अच्छा टीवी लेने के लिए बाइक में निकल जाते हैं। टेंचो गूगल मैप देखकर रास्ता बता रहा होता है और जाते हुए बोलता है कि कॉमेडियन बनना इतना आसान नहीं है, पहले एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है और वो जो बोलेंगे मुझे वो करना ही पड़ेगा। टेंडो बोलता है कि तुम्हें आखिरकार कॉमेडियन बनना ही क्यों है। टेंचो बोलता है कि ये मेरा बचपन का सपना है। ये सुनकर टेंडो भी अपने बचपन की ड्रीम के बारे में सोचने लगता है। तो जैसे ही आगे जाने लगते हैं वो देखते हैं कि आगे का रास्ता ब्लॉक होता है। शोरूम के पास तो पहुंच गए लेकिन आगे नहीं जा पाते हैं क्योंकि रास्ता तो ब्लॉक है ना। यहीं पर एक पेट्रोल से भरा हुआ ट्रक आ जाता है जो कि ज़ॉम्बी चला रहा होता है। ये देखकर केंचो की फटकर 4 हो जाता है और टेंडो को बोलता है कि जल्दी से चल भाई यहाँ से। उस ट्रक को देखकर 2 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ था वो उसे याद आ जाता है। केंचो की बात भी नहीं सुनाई देता है। टेंडो को एक रास्ता दिखता है। टेंडो बहुत गहरी सांस लेता है और ट्रक के सामने ही निकल जाता है। तो पड़ी हुई एक कार के ऊपर से उसका बाइक को निकाल देता है। तो पेट्रोल ट्रक था वो और कुछ गाड़ी के साथ जाकर टकरा जाता है और वहीं पर बहुत बड़ा धमाका होता है। तो एक टनल में घुस जाते हैं तो देखते हैं कि वहीं पर बहुत सारे ज़ॉम्बी है जो कि उनके पीछा कर रहे हैं। वो जाकर एक स्टोरेज रूम में घुस जाते हैं और वो दरवाजे को बंद कर देते हैं, इस वजह से ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाते हैं। वहीं पर और कुछ लोग छुपे होते हैं। सारे लोग ज़ॉम्बी को देखकर डरे होते हैं और एक लड़की रोना शुरू कर देती है। केंचो जाकर उसे समझाने लगता है और वो बोलता है कि स्टोर में खाने पीने की सब चीजें हैं, हम यहाँ पर रहने की कोई परेशानी नहीं होगी, समय के बाद ज़ॉम्बी यहाँ से निकल जाएंगे। और कुछ समय के बाद वो दारू चकना निकाल कर बैठ जाते हैं तो सबको इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। लड़कियों को देखकर टेंडो और आकिरा की दिल तो हवा में उड़ रहा होता है। लड़कियां उनको उनके नाम बताती है, एक का नाम है रीका और एक का नाम है माकी, तीसरे की नाम है यूकरी। टेंचो बोलते कि टेंडो और मैं कॉलेज टाइम से दोस्त हैं। तो लड़कियों को पूछने लगती है कि तुम सब कहां पर मिल गए, हम तीनों यहां पर अभी अभी मिले हैं और हम तीनों एयर होस्ट्रेस है। ये सुनकर आकिरा और टेंडो की आंखें खुली होती है, वो और भी 2 इंच बढ़ जाती है क्योंकि टेंडो की डायरी में ये लिखा होता है कि उसे एक एयर होस्ट्रेस गर्लफ्रेंड ही चाहिए और ये यही मौका है गर्लफ्रेंड बनाने की। टेंडो यूकरी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। टेंडो यूकरी को पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, क्या इस टाइम में हम बात करें। ये सुनकर टेंडो हैरान में पड़ जाता है और बोलता है कि सब कुछ खराब कर दिया मैंने। और वो सोचता है कि केंचो मेरी मदद कर देगा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। वहीं पर केंचो अपनी सेटिंग कर रहा होता है माकी के साथ। माकी बहुत जल्दी इम्प्रेस भी हो जाती है। टेंडो उनका प्यार देखकर जलने लगता है। टेंडो बोलता है कि मैंने आज वादा किया था मैं आज एक गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, पर मेरा क्या हुआ, ये तो पटा लिया, जो भी हो जाए मैं आज एक गर्लफ्रेंड बना के ही रहूंगा। और वो एक वहीं से दारू की बोतल उठा लेता है और बोलता है कि मैं आज का दिन मेरा बर्बाद नहीं करूंगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया तो इससे अच्छा ज़ॉम्बी मुझे खा ले। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 साल खत्म कर दिया, यहाँ पर खत्म नहीं करूंगा मेरा टाइम। बोलने के बाद वो वहीं पर पूरी बोतल को गटक जाता है
केंचो भी उसके कपड़े निकाल कर वहीं पर नंगा नाच करने लगते हैं। टेंडो इतने ज्यादा पी लिया होता है कि वो वोमिटिंग कर देता है। यूकारी वहाँ पर आकर उसकी पीठ को थपथपाने लगती है और बोलती है कि तुम ठीक हो ना। केंचो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहीं से चला जाता है। इका और एक आदमी एक साथ बैठे होते हैं और हम देखते हैं कि उस आदमी के पैर में ज़ोंबी काट लिया होता है। आदमी धीरे धीरे ज़ोंबी बनने लगता है। क्या उसकी कंपनी को गाली दे रही होती है कि वो आदमी रीका को भी काट लेता है। मैंने आपको बताया था ना, केंचो कुछ करने के लिए वहीं पर लेकर गया था और वो कर भी लिया और इतने मजे से कर रहा है। क्या कि इतनी ज्यादा शोर करने के बाद वो वहीं पर जाने लगता है कि क्या हुआ वहीं पर। टेंडो बोलते है कि यूकारी तुम मेरी इतनी फिकर करती हो। यूकारी शर्माते हुए बोलती है कि तुमने बहुत दारू पी ली थी जिस वजह से मुझे तुम्हारी फिकर हो रही थी और तुमने मुझे पूछा था कि मेरी बॉयफ्रेंड है या नहीं। हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे अब पता नहीं है वो जिंदा है या मर गया है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ मैं एक दिन उसे जरूर मिलूंगी। ये सुनने के बाद टेंडो को बहुत बड़ा झटका लगता है। टेंचो माकी के साथ रीका को ढूंढने के लिए निकल जाता है। टेंचो जैसे ही रीका को देखता है वो डर जाता है। रीका मीका के ऊपर हमला कर देती है। टेंचो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। रीका उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश करती है लेकिन टेंचो उसे बहुत जोर से मारता है। शुकारी बोलती है कि मुझे एयर होस्टेस बनते हुए 3 साल हो गए। टेंडो ने भी बोला था कि उसे जॉब करते हुए 3 साल हो गया है। मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ कि मुझे मेरा काम पसंद है क्योंकि मुझे लगता है फ्लाइट से लोगों का काम थोड़ा आसान हो गया, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसका मैनेजर उसे डांट दिया था। टेंडो बोलते है कि तुम किसी की बात मत सुनो, तुम्हें तुम्हारा जॉब पसंद है तो तुम तुम्हारा जॉब को कंटिन्यू करो। हमें उस आदमी को दिखा देते हैं जो कि यूकारी के ऊपर हमला करने के लिए चला आता है। टेंडो उस आदमी को यूकारी के ऊपर से हटा देता है और हम देखते हैं कि यूकारी के कंधे के ऊपर उस ज़ॉम्बी ने काट लिया था। यूकारी बोलती कि मैं अब नहीं जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन तुम जिंदा रह सकते हो, तुम वहाँ से भाग जाओ। टेंडो यूकारी गले लगा लेता है। टेंडो यूकारी को बोलता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ सकता हूँ। यूकारी उसे धकेल देती है। धकेलते वक्त बोलती है कि मैं इसलिए हेयर होस्टेस बनना चाहती थी, जब मैं छोटी थी तब मेरा तबीयत फ्लाइट में खराब हो गया था, लेकिन मुझे तभी एक एयर होस्टेस ने मदद की थी, इसलिए मैं बनना चाहती हूँ एयर होस्टेस। टेंडो बोलता है कि काश मेरे पास भी ऐसा एक जॉब होता। टेंडो वहाँ पर रोने लगता है और यूकारी उसे धकेल देती है। तो ज़ॉम्बी आकर यूकारी के ऊपर फिर से हमला कर देता है और वहीं से टेंडो भाग जाता है। तो उसे रास्ते में केंचो मिल जाता है। केंचो ने टेंडो के लिए बहुत बड़ा टीवी ले लिया होता है और वो फिर से उस बिल्डिंग के छत पर आ जाते हैं। केंचो टेंडो को बोलता है कि माकी के साथ मैंने क्या किया और माकी के साथ क्या हुआ, एक्सप्लेन करने लगता है टेंडो को। टेंडो बैठकर वो बड़े टीवी में गेम खेल रहा होता है। टेंडो यूकारी और केंचो के सपने के बारे में सोचता है और बोलता है कि मेरा सपना क्या था और उसके सपने के बारे में लिखता है। गेम पर हमारा खत्म होता है सीजन 1 का एपिसोड 4। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर। वैसे कहने को है बातें, पर मन में